हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच जून 2018 के सीएमए फाइनल के ऑल इंडिया रैंक वन मिस्टर रॉबिन को लेकर आया हूं। इन्होंने ये बता दिया है कि अगर स्ट्रगल किया जाए तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। इन्होंने 75% मार्क्स से अपना फाइनल अटेम्प्ट क्लियर किया है विथ ऑल इंडिया रैंक वन, और इन्होंने फाइनल में आने से पहले ये सोच लिया था कि इन्हें रैंक लेकर आना है। तो देखिए, हम जब सपना ही नहीं देखेंगे तो वो पूरा कैसे हो सकता है, और आज वो कहावत बिल्कुल सही लग रही है कि सपने देखोगे तो सपने जरूर पूरे होंगे, लेकिन उसके लिए जो मेहनत लगनी है वो मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम रॉबिन से गुफ्तगु करेंगे कि उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन किया है, किस तरह से उनकी जर्नी रही है। आज वो ऑल इंडिया रैंक वन में है, आज डेफिनेटली कंपनीज भी हमारी इंटरव्यू देख रही है, कंपनीज भी इन सारे रैंक होल्डर्स को देखती है, और डेफिनेटली इन्हें बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा आगे ग्रो करने का, अच्छी इन्हें जॉब मिलेगी। तो जस्ट आई वॉन्ट टू आस्क रॉबिन कि आपको कैसा लग रहा है, ऑल इंडिया रैंक वन आपने हासिल किया है, और क्या आपने सोचा था कि आप ये पोजिशन हासिल कर लोगे, और प्लीज थोड़ा ब्रीफ इंट्रो हमारे स्टूडेंट्स को करें आप। हेलो फ्रेंड्स, माई नेम इज रॉबिन सिंगला एंड आई एम पटियाला। I secured first rank in CMA final 2018 attempt. I started CMA with foundation in 2013. I passed in first attempt. Then there goes inter. In inter, I was very, मैं बहुत डरता था पेपर से कि कैसे पेपर आएंगे, एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि, तो एक एक अटैम्प्ट करके ही निकाला। जब देखा कि चलो पढ़ के सब कुछ पास हो रहा है तो मैंने सोचा कि फाइनल में तो अब रैंक लाना ही है, तो तैयारी उसी हिसाब से शुरू की। बट जैसे जैसे फाइनल आगे बढ़ती गई तो थोड़ा रैंक का सपना भी धुंधला हुआ होगा। ऐसे नहीं है कि हर बार सेम ही रहा कि रैंक आ जाएगा। अच्छा, बहुत बार आपको ऐसा लगा कि अब रैंक लाना मुश्किल है क्योंकि पढ़ाई के साथ चलते चलते ऐसे लगता है कि कई कंटेंट ऐसे आ जाते हैं कि जो मुश्किल होते हैं हमें पढ़ने के लिए, लास्ट में आता है कि भैया पास हो जाओ वही बहुत है। बिल्कुल सर, यही हुआ था लास्ट में आके तो। और मेरा बाकी पेपर तो काफी अच्छे हुए थे, बट एक जीएसटी का पेपर काफी बेकार हुआ था। But thank God I got 71 marks in that paper also. उसमें भी आप मतलब सोच रहे थे कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ तो मैं पास होने के भी प्रॉब्लम हो सकता है। Even for passing that paper, देखिए, I find it difficult. सबके साथ यही होता है, बच्चे पेपर देते देते इतने ज्यादा डिस्करेज हो जाते हैं कि वो पेपर ही छोड़ देते हैं। तो आप हिम्मत रखिए, देखिए इनका जीएसटी पेपर अच्छा नहीं होने के बावजूद भी उसके बाद भी इन्होंने पेपर दिया और आज ऑल इंडिया रैंक वन खड़े हैं। क्योंकि याद रखिएगा कि आप उस समय अगर हिम्मत हार जाते जीएसटी पेपर देने के बाद तो शायद आज ये रैंक होल्डर नहीं बन पाते। पेपर जैसा भी गया है पेपर पूरा कंप्लीट करना है। बहुत बार ऐसे मन में आएगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को रैंक नहीं मिलेगा या मैं पास नहीं हो पाऊंगा। उन सब नेगेटिविटी से दूर कर अपने आप को तैयार करना है। रॉबिन जीता जाता उदाहरण है कि सारी चीजें जो हम लोगों के साथ होता है, हम लोग सोचते हैं पहले कि यार हम दो ग्रुप की तैयारी करेंगे। आपने ये भी सोचा होगा कि कहीं एक ग्रुप की तैयारी कर लेते हैं? नहीं सर, ये तो नहीं सोचा था कि चलो एक अटेम्प्ट, क्योंकि मैंने बीच में मिस कर दिया था, तो ये था कि जून में देने तो दोनों ही हैं। अच्छा, बट एक पंगा ये था कि 8 पेपर लगातार है, और दूसरा था कि पता नहीं कैसे पेपर आएंगे इस बारी, क्योंकि जो ट्रेंड चलता है ना, जून में पेपर आते हैं मुश्किल और दिसंबर में आते हैं थोड़े आसान। अच्छा, तो ये भी डर लग रहा था इस बार। अब ये सब तो नहीं सोचना है ना हमारे बच्चों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर मुश्किल आएंगे, आप अपना बेस्ट दो और पास आराम से हो जाओगे। तो जो र्यूमर्स होते हैं कि जून में टफ आता है दिसंबर में आसान आता है, वो सब र्यूमर्स को हमें फॉलो नहीं करना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम अपने र्यूमर्स को भी हम इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं कि आपका जब अटेम्प्ट है आप दीजिए, जितनी भी तैयारी है आप एग्जाम दीजिए। पेपर अच्छे जाएंगे बुरे जाएंगे, आपको भरोसा रखना है अपनी तैयारी पे। रॉबिन पे भरोसा था, रॉबिन को अपनी तैयारी पे भरोसा था, तभी आज रॉबिन ऑल इंडिया रैंक वन बन पाया है। तो रॉबिन ने हम लोगों से SFM की क्लास ली है, तो जो फाइनल SFM की क्लास है, आपको कैसे पता चला हमारी क्लास के बारे में? मेरे फ्रेंड ने बताया था। अच्छा, पार्थ अरोड़ा। वेरी गुड। तो अब आपको हमारी क्लास करके क्या एक पॉजिटिविटी मिला, आपको क्या लगा हमारी क्लास करके? एक्चुअली इंटर में तो FM में ज्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं थी, इवन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी वगैरह वाले कंसेप्ट भी क्लियर नहीं थे, बट फाइनल में आके क्रिस्टल क्लैरिटी हो चुकी है, अब खास करके स्टॉक मार्केट में। वेरी गुड। तो आपको जो हमारा अप्रोच था वो बिल्कुल अच्छा लगा, जो कॉन्सेप्ट से हम लोग लेके चलते हैं और बच्चों को जो स्टॉक मार्केट का प्रैक्टिकल दिखाते हैं, दैट वाज अ प्लस पॉइंट इन आवर क्लास। सर बिल्कुल बिल्कुल प्लस पॉइंट था, क्योंकि जो SFM फाइनल सिलेबस में डेरिवेटिव सब्जेक्ट है,
अगर आपने उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखा ही नहीं कि फ्यूचर ऑप्शन कैसे वर्क कर रहा है, तो आप पेपर में क्या लिखोगे? क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं होते हैं, बिकॉज आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते जब तक आपको लाइव डेमो नहीं दिखाया जाता है, लाइव स्टॉक मार्केट का टर्मिनल से डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखाया जाएगा तब तक आपके क्वेश्चन भी नहीं होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। तो आपके SFA में कितने मार्क्स हैं? I got 79 marks. Very good. बहुत अच्छा मार्क्स आपने सिक्योर किया है। तो हमने सारा कवर कर लिया था CMA? सर पूरा कवर था। Very good. था। स्टडी मटेरियल आपका वो कवर सारा हो गया था आपके? सर पूरा। Very good. तो फ्रेंड्स नॉर्मली हम लोग SFM पढ़ाते हैं और CMA के स्टूडेंट्स काफी आ रहे हैं SFM करने, तो हमने अपना मॉड्यूल इस तरह से तैयार किया है कि हमने आपके एग्जाम के क्वेश्चंस को 100% कवर करने की कोशिश की है। मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कोई नया पेपर देखा है। प्लस हम लोग SFM के साथ साथ वैल्यूएशन के भी कुछ चैप्टर्स कवर करते हैं, वो भी आपको हेल्प मिले होंगे। हाँ जी सर, एक लास्ट पेपर है SPM एंड बिजनेस वैल्यूएशन, उसमें जैसे टॉपिक है मर्जर एंड एक्विजिशन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो भी SFM से ही कवर हो गए थे। वेरी गुड। तो EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, सर वो सारी चीज हम कवर करके देते हैं। देखिए अगर स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है और थोड़ा सा हमारे साथ चलना चाहेगा तो हम बच्चों को बहुत अच्छा करके दिखाते हैं, चाहे वो CMA क्यों ना हो, चाहे वो CMA क्यों ना हो, क्योंकि आज हम CMA की बात कर रहे हैं तो हम अपनी जो टॉपिक है वो CMA तक ही सीमित रखेंगे। तो CMA के स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, देखिए SFM 100% कवर हो रहा है, स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स, एंड आपके साथ साथ वैल्यूएशन का भी कवर हो रहा है। इनफैक्ट आप 150 नंबर का कवर कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो कितने महीने की प्रिपरेशन चाहिए CMA करने के लिए? कितने मंथ की प्रिपरेशन आपको चाहिए कि बच्चा 3 महीने 4 महीने बैठकर प्रिपरेशन करे? देखो सर पूरा 1 साल चाहिए क्लासेस से लेकर रिवीजन तक। पहले 6-7 मंथ में तो ये टारगेट रखो कि आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद सिर्फ रिवीजन रहेगी, तो एक टेंशन नहीं होगी कि इतना सिलेबस पड़ा है हमारे पास। अच्छा, तो आप क्लासेस के साथ 1 साल बोल रहे हैं, क्योंकि क्लासेस में तो थोड़ा टाइम लग जाता है। नहीं सर, विद क्लासेस। अच्छा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट है जो सेल्फ स्टडी करने वाले ही हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो इनका कहना है कि 1 साल के अंदर अंदर आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, दोनों ग्रुप की तैयारी कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट को कितनी बार रिवीजन करनी चाहिए? सर मैंने 3 बार की थी लास्ट में आके। हर सब्जेक्ट को 3 बार रिवीजन करके आपको एटलीस्ट देखना है और इस चीज को आगे बढ़ना है। चलिए, तो जब हम CMA का पेपर दे रहे होते हैं तो उस वक्त 1 दिन पहले एग्जाम से ठीक पहले हमें एक्चुअल में अपना स्ट्रेटेजी क्या बनाना चाहिए? सर फर्स्ट पेपर वाज ऑफ लॉ, तो मैंने पहले 3 दिन तो लॉ ही पढ़ा सिर्फ, क्योंकि मुझे वो टफ लगता था कि अभी सेल्फ था, वो सिर्फ एक बुक से किया था, वो तो टफ लग रहा था कि कैसा पेपर आएगा पता नहीं, तो 3 दिन तो लॉ के ही दिए फिर पहले तो। और CMA में 8 दिन लगातार पेपर होते हैं, ये एक डिसएडवांटेज है एज कम्पेयर टू CA, बट ये कि नींद तो सैक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी अगर आपको नंबर लाने हैं। देखिए जो भी अभी भी ये सोच रहे हैं CMA वाले कि 1 ग्रुप दें या 2 ग्रुप दें, तो प्लीज आप रॉबिन के ये इंटरव्यू को देखें। रॉबिन ने दोनों ग्रुप दिया है, इनफैक्ट उनके सारे पेपर्स की तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी और इन्होंने एक बार ये भी सोचने लगे थे कि हम पास भी हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, और इनका कुछ पेपर्स खराब भी गया था एग्जाम में, स्टिल इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज। अब देखिए ये सारे डिफिकल्टीज हैं, ये सारे रोड ब्लॉक्स हैं, जो बच्चा रुक गया वो रुक गया, जो आगे निकल गया वो आगे निकल गया। रॉबिन उनमें से है जो इन रोड ब्लॉक्स को क्रॉस करते हुए ऑल इंडिया रैंक 1 बनने के कगार में ये खड़ा हो चुका है और आज पूरी इंडिया में इनका नाम है और पूरी कंपनी इन्हें अब अपने एज एन एम्प्लॉई हायर करना चाहती है। छोटे से शहर पटियाला जैसे शहर से निकला हुआ लड़का आज पूरे इंडिया में नाम कर रहा है, एक बहुत बड़ी बात है। आज छोटे छोटे शहर के स्टूडेंट्स इतना अच्छा कर रहे हैं और बेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज कमेंडेबल। और चाहे मैंने जितने भी रैंक होल्डर्स को देखे हैं, आजकल आप लोग बहुत अच्छा एफर्ट दे रहे हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और ज्यादा अच्छी हो रही है बिकॉज ऑफ द क्लासेस। बिकॉज स्टडी मटेरियल आप बिल्कुल प्लेनली पढ़कर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और आप श्योर नहीं हो सकेंगे कि आप एग्जाम क्रैक कर पाए कि नहीं कर पाए, और MCQ के क्वेश्चन तो आपसे हो नहीं पाएंगे जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। प्लीज ऐड कीजिए। सर जो MCQ का क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट कोई क्वेश्चन तो आता नहीं, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ही होता है। अगर ना कोई स्टडी मैट में MCQ दिए हुए हैं सच की, अगर आप रट्टा लगा जाओगे कैसे करना है कैसा नहीं, रट्टा तो लगा ही नहीं सकते, लगा नहीं सकते। SFM वर्ग के सब्जेक्ट में तो आप रट्टा नहीं लगा सकते, तो आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए इसमें। वेरी गुड। और इसलिए मैं बोलता हूँ आज हमारी क्लासेस पूरी इंडिया में चल रही है एंड एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कि आप लोग भी इस लाइन को देखिए, और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग CMA
जो बने हैं और आज बहुत अच्छी कंपनीज को वो संभाल रहे हैं और बहुत अच्छी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। सीएमए का जो कोर्स मटेरियल है वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा माना जाता है और थोड़ा सा आप लोगों को और आगे निकलना चाहिए, लोगों को गाइड करना चाहिए। तो आई होप कि जितने भी लोग हमें सीएमए वाले सुन रहे हैं, तो आई वॉन्ट रॉबिन, क्या आप गाइड करोगे इन लोगों को? यस सर, डेफिनेटली आई विल गाइड देम। एक तो देखो बच्चों की जो सोच है कि बीकॉम से थोड़ी इजी है सीएमए और सीए से थोड़ी आसान है, ठीक है, ये सोच बिल्कुल ठीक नहीं है। सीएमए भी मुश्किल है, बिल्कुल सीए जितनी ही मुश्किल है। तो कोचिंग ले लो चाहे जो मर्जी ले लो, आपको पढ़ के ही निकालना पड़ेगा। बीकॉम के जैसे आप कुछ भी लिखाओगे ऐसा नहीं चलेगा इसमें सीएमए में। देख लीजिए बहुत, देखिए सारी बातें हैं। तो वी वॉन्ट कि जितने भी हमारे इंडिया में सीएमए के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग उनको एक ग्रुप बनाएं और रॉबिन आप थोड़ा सा उन्हें गाइड करें किस तरह से करना है। देखिए आप रैंक वन बन चुके हैं, तो अब आपको अपने जूनियर्स को भी गाइड करना चाहिए। आई थिंक ये मोटिवेशन आपको हमेशा रहना चाहिए, बिकॉज देखिए हम बहुत बार होता है कि हमने अचीव कर लिया तो अब व्हाट नेक्स्ट। डेफिनेटली आप बहुत बड़ी कंपनी में ज्वाइन करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे जिंदगी में, और हम भी चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। लेकिन हम ये भी चाहते हैं इस वीडियो के साथ कि आप हमारे स्टूडेंट्स को भी थोड़ा गाइड करें जितना भी आपको टाइम मिलता है। तो आर यू रेडी फॉर दैट? यस सर, आई एम डेफिनेटली रेडी। इवन आई एम गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम फेसबुक एंड व्हाट्सएप दैट प्लीज गाइड अस, एंड आई एम गाइडिंग देम ऑल। एक हम ग्रुप बना लेते हैं, एक व्हाट वी विल कैन डू, वी कैन मेक अ ग्रुप एंड आपको हम उसका एडमिन बना देते हैं, और जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है, कभी सैटरडे संडे टाइम मिला, कभी आप ट्रैवल कर रहे हो, तो यू कैन सॉल्व देयर क्वेरीज। बिकॉज देखिए वो बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। मेरा मानना है अगर सही गाइडेंस नहीं मिल पाएगा तो सही करियर भी नहीं बन पाएगा। अगर आपका फ्रेंड जिन्होंने SFM क्लास रेफर किया, डेफिनेटली यू मस्ट बी थैंकफुल टू हिम कि चलो आपने आदित्य जैन सर को रेफर किया, आदित्य जैन सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया और मैं स्टॉक मार्केट में भी मैंने अच्छा काम किया, तो और आपको नॉलेज है, अब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आप स्टॉक मार्केट फेस कर सकते हो, आप उनको अपना इंटरव्यू क्लियर करवा सकते हो। अपना बुकिश लैंग्वेज से आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है, तो इसी तरह से आपको अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने फ्रेंड्स को भी गाइड करना है। यस सर, डेफिनेटली आई विल गाइड देम, और स्टॉक मार्केट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है इस टाइम। वेरी गुड। और पटियाला के जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, पंजाब के स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, देखिए रॉबिन इज रेडी टू गाइड यू। इन्होंने आपको गाइड करना है, कहीं मत जाइए, ऑल इंडिया रैंक वन आपके पास खड़ा है, आपके पास रेडी है, आपको जो गाइडेंस चाहिए आप इनसे लीजिए। विल हम एक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे और आप उसे ज्वाइन करें, हम एक टेलीग्राम में एक ग्रुप बना देंगे, और आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए सीएमए से रिलेटेड आप रॉबिन से लीजिए। देखिए बहाने नहीं चलेंगे, गाइडेंस देने के लिए लोग खड़े हैं, ये आपको अपना टाइम निकाल कर आपको गाइड करने वाले हैं। अब आप ये मत बोलेगा कि हम मिसगाइडेड हो गए, क्योंकि लाइफ में अंत में यही हम सोचते हैं कि यार हमें अच्छी गाइडेंस मिल जाती तो अच्छा होता। फिर यही बात याद आती है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कल मत करिए, आज से ही गाइडेंस लेना शुरू करिए, सही गाइडेंस मिलेगा तो सही आपको करियर बनाने में का मौका मिलेगा। क्योंकि वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। आज रॉबिन इतनी स्ट्रगल करने के बाद आज इतना आया, आगे आया है, आज परिवार में इनका नाम हो रहा है। और देखिए हम लोगों को लगता है कि भैया रॉबिन को बहुत सारी फैसिलिटीज मिली होगी, बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्होंने क्लासेस की होगी, बहुत इन्होंने पैसे खर्च किए होंगे, ऐसा नहीं है। ये आप स्ट्रगलिंग स्टोरी है उन सब बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा, जिनको फैसिलिटीज नहीं मिली है। रॉबिन भी उनमें से है, बट उन्होंने कर दिखाया। तो ये बहाना करना बंद कीजिए कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, हम छोटे शहर से हैं, हमें सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है। जब रॉबिन कर सकता है तो हम सब भी कर सकते हैं, ये भरोसा रखिए अपने आप में, और रॉबिन आपको गाइड करेगा, ऑल इंडिया रैंक वन आपको गाइड करेगा, और क्या चाहिए आपको। तो प्लीज ग्रुप का लिंक आप शेयर मैं यहां पे कर दूंगा, आप प्लीज इसे ज्वाइन करें, हम रॉबिन को भी एडमिन बनाएंगे इसमें। और व्हाट वी कैन डू, हम रॉबिन से उस ग्रुप में ये भी पूछेंगे कि आपने और क्लासेस कहां से की और आपने किस तरह से तैयारी की, क्या नोट्स आपने रेफर किया, क्योंकि ये वीडियो हम बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं रख सकते, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की भी आप उनसे क्वेरी रेज कर सकते हैं सीएमए ग्रुप में। तो ऑल द बेस्ट रॉबिन, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, लाइफ में आप हमेशा आगे बढ़िए।
और जिंदगी में उतना मुकाम हासिल करें कि हम भी गर्व करके देखो ये हमारा स्टूडेंट रहा, आपने हमें गर्व बिल्कुल दिया है। एज ए टीचर मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूं कि आपने ऑल इंडिया रैंक वन लेकर दिखाया मुझे, और क्योंकि सीए में ऑल इंडिया रैंक वन आ चुका है, सीएस में ऑल इंडिया रैंक वन आ चुका है, सीएमए में भी अब ऑल इंडिया रैंक वन आ चुका है, तो इन ऑल स्ट्रीम्स आई हैव टॉपर्स नाउ। तो इट्स अफॉर्चुनेट, आई रियली थैंक्स गॉड कि इन्होंने हमें इतने अच्छे स्टूडेंट्स दिए, इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स दिए, इतने स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स दिए, और आज वो इतने अच्छे मुकाम में पहुंच रहे हैं। तो रॉबिन, ये आपके लिए एक टोकन ऑफ लव हमारी तरफ से। थैंक यू सर। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, अगर अभी भी कोई क्वेरी अगर आपकी रह गई है तो प्लीज आप ग्रुप में आएंगे और अकॉर्डिंगली आप अपनी क्वेरीज रेज करेंगे, और कोई भी क्वेरी हो रॉबिन इज रेडी टू हैंडल इट। जितना भी रॉबिन के पास टाइम हो रॉबिन इसे हैंडल करेगा। और जाते जाते इतना ही कहूंगा कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारा बैच ये शुरू हुआ था तो डेफिनेटली सो मेनी गुड न्यूज वेयर देयर। हमारे बच्चों का 100 में 100 आया, हमारे बच्चों का रैंक आया, रैंक 1 आया, रैंक 3 आया, रैंक 20 आया, तो उस पॉजिटिविटी से हमारी क्लास शुरू हुई। क्लास का यही मकसद था कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ाना है, पूरे चीजों को कवर करवाना है और एक भी चीज मिस नहीं करना है। आई थिंक वो मौका आपने हमें दिया है हर चीज को पढ़ाने का, हर चीज को समझाने का, हर चीज को प्रैक्टिकली लिंक करने का, चाहे वो डेरिवेटिव क्यों ना हो, चाहे वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो, चाहे वो कॉल बायर बनना क्यों ना हो, चाहे वो अलाहाबाद बैंक का कॉल बायर पोजीशन क्यों ना हो, चाहे वो विप्रो का फुट बायर पोजीशन क्यों ना हो, हमने हर चीज को अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकली लिंक किया है। साथ साथ हमने आपको मोटिवेट किया कि आप डीमैट अकाउंट खुलवाइए और एटलीस्ट 500 रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहिए। आई थिंक इतना भी अगर हमारा सीए का बच्चा कर लेता है तो आप सही मानिए मंजिल दूर नहीं है। वो कहते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो ये बैच मेरे लिए एक मेमोरेबल बैच रहेगा। इस बैच में आपने मुझे पूरा मौका दिया है डिटेल में पढ़ाने का, प्रैक्टिकली पढ़ाने का और हर चीज को लिखवाने का। हर चीज हिंदी में मैंने लिखवाया है, हर चीज का कॉन्सेप्ट बना के करवाया है, हर क्वेश्चन होमवर्क के मैंने आपको क्लास में करवाया है। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा बर्डन नहीं दिया आप लोगों को, अननेसेसरी जो बर्डन लोगों को अदर क्लासेस में मिलते हैं वो बर्डन हमारी क्लास में नहीं थी। एक रिलैक्सिंग वे में हमने कॉन्सेप्ट को डिराइव किया और कॉन्सेप्ट को समझा। मैं इस बैच में उम्मीद रख रहा हूं कि सारे बच्चे रैंक होल्डर बने और सारे बच्चे 100 में 100 लेकर आए। सीए फाइनल के अंदर सर से बेटर कोई हो नहीं सकते। ऐसा ना, ऐसा सब्जेक्ट, इतना टफ सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग से लगा कि कैसे होगा कैसे होगा, इतने अच्छे सर ने पढ़ाया कि वो भी बहुत इजी लग रहा है। तो इन शॉर्ट सब कुछ कहूँ, हिंस SFM, हिंस आदित्य बहन सर। आपको कोशिश करते रहना है जिंदगी में, इससे पीछे नहीं हटना, क्योंकि बहुत सारे कोशिशों के बाद आप सक्सेस आपको मिलेगा, आपको पहली ही ट्राई में सक्सेस नहीं मिलेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। सर ने मुझे मेरे प्यार से मिलवाया, फाइनेंस का बूट मुझ पर चढ़वाया, हेड एंड वाइस में मेरा काउंटर खुलवाया और मुझे कंपनीज का शेयर होल्डर बनाया। अब दिन भर इन्वेस्ट करता हूँ अमाउंट और हमें जो मिलेगा हम जैसे अभी हम लोगों को आपने पढ़ाया, आगे जाके और लोगों के भी जो और भी फाइनल के स्टूडेंट होंगे उन सबको भी ऐसे ही ज्ञान देते रहना। जो आगे बढ़ता है वही आगे बढ़ता है, पीछे नहीं मुड़ के देखना है, हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग आपको रहना है। फॉरवर्ड एवर, बैकवर्ड नेवर।
आपके लाइफ में कभी भी कोई तकलीफ ना आए, हमेशा आपको एक सुनहरा मौका मिले, जिंदगी में आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिले। आप हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि एक्चुअल में एंड ऑफ द डे में आपकी मुस्कुराहट ही आपको आगे लेकर जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी। We'll be right back.